ये सेपरेटिस्ट एजेंडे वाले जो है ट्रैक पे चल रहे हैं एनसी वाले, ये कोई कोई इनके खाला जी का घर थोड़ी है कि कहीं हाथ मार दिया तो 370 और 35 जो है इनके मुंह में चला जाएगा। इनका इनका ये जो क्या कहते हैं शरीर इधर है, मन तो इनका वो दूसरी साइड है। कहां पे मन, कहां मन? पाकिस्तान में। सीधी बात, स्पष्ट बात, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत नाम बदल आ जाएगा सर। बहुत गलत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बहुत 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 गलत कर रहे हैं जो एनसी वाले। देखिए इसमें बहुत आक्रोश है हमारे समाज में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये एंटी नेशनल मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया। जिला डोडा के स्पोक्सपर्सन और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट रमन इस समय मेरे साथ हैं। रमन, कैसे लगता है आपको कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया है ये एंटी नेशनल? देखिए देव ठाकुर साहब, आपने मुझे लगता है ये मैनिफेस्टो बड़े ब्रीफली देखा होगा, जहां ये हो इस मैनिफेस्टो में कि 370 हम रेस्टोर करेंगे, 35 ए जो रेस्टोर करेंगे, एटोनमी जो है हम रेस्टोर करेंगे, 1953 वाली पोजीशन लाएंगे, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये सेपरेटिस्ट एजेंडे पे चलने वाला मैनिफेस्टो है? आपने देखा, इज इट पॉसिबल कि ये एटोनमी वापस आ सके? भाई साहब मेरी बात सुनिए, आपने देखा 2019 से पहले की पोजीशन या 30 साल का टर्मोइल जो रहा, यही एजेंडा लेके 370 का एजेंडा जो ये इनको संरक्षण मिला हुआ था, क्या 370 जो है अब दफन हो चुका है? वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे दिए थे कि 370 जो है रिस्टोर नहीं हो सकता है, और उसके बाद फिर ये अपने एजेंडे में ये चीजें लाएं। खालिद नजीब सरवर्दी से मेरी कल बात हुई, उन्होंने कहा कि 70 साल लगे भाजपा को 370 35 से हटाने में, तो 10 साल तो हमें भी दीजिए, हम तो वापस ले आएंगे। इज इट पॉसिबल कि 370 35 से वापस आ सकता है? भाई साहब ये तो ये भी कह रहे थे तब कि यहाँ पे कोई झंडा 370 कोई छेड़ के दिखाए तो झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, और फारूक अब्दुल्ला साहब तो ये कह रहे थे कि 370 जिस दिन टूटेगा तो मैं ये पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगा, और वो 370 तोड़ के दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया 370 तोड़ के, और उसके बाद जो आज डेवलपमेंट पीस प्रॉस्पेरिटी इस स्टेट में है वो 370 टूटने के बाद हुई है। कश्मीरी नेता जो इस समय जेल में है, इंजीनियर रशीद के नाम से जो बहुत ज्यादा फेमस है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ऑटोनॉमी लेकर आएंगे, क्या उनके बात को कैच किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसलिए ऑटोनॉमी का जिक्र किया गया है? तो हम कह रहे हैं भाई साहब, जो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये सेपरेटिस्ट एजेंडे वाले जो है ट्रैक पे चल रहे हैं एनसी वाले, पर इंजीनियर रशीद देखिए वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अंदर है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में है, और इनके बहुत बड़े बड़े नेता जो हुरियत के या जो वो एजेंडा चला रहे थे वो अनलॉफुल एक्टिविटी में अंदर है, तो उसी ट्रैक पे दोबारा ये नहीं है कि 370 लाने वाली पोजीशन है, ये 35 है, ये कहीं मतलब नहीं, कहीं ख्वाब में नहीं सोच सकते हैं, वो आ नहीं सकता है, वो आप केंद्र ने कर दिया है, जो ये लाएंगे कहाँ से, ये तो बताएं ना ये कहाँ से लाएंगे, ये कोई कोई इनके खाला जी का घर थोड़ी है कि कहीं हाथ मार दिया तो 370 और 35 जो है इनके मुंह में चला जाएगा, या ये ऐसे बताते, ये तो बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं, पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि आप लोग जो हैं वो हैरास करते हैं लोगों को, सड़कों पर गाड़ी रोकते हैं, चेकिंग करते हैं, उससे आम पब्लिक जो है वो परेशान होती है, हम सरकार में आएंगे तो ये सब हटा देंगे। देखिए भाई साहब, जब से भारतीय जनता पार्टी 370 टूटने के बाद आप देखें हालात कैसे रेस्टोर हुए हैं, कैसे इस स्टेट में जो पीस प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट, क्या आपको लगता नहीं है? आप ग्राफ देखें जरा, इनके कहने पे मत जाइए, और जो हाईवेज पे नाके लगे, क्या ये नाके नहीं लगे होने चाहिए? जो यहाँ पे नार्को टेररिज्म चल रहा है, या जो क्राइम को कैसे रोका जा सकता है? इन्हीं नाकों पे जो चेक जो है वो होता है तो क्राइम रुकता है, क्या हमें अपनी पुलिस के साथ अपनी आर्मी बल उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? ये कभी इन्होंने बात की कि हम जो है यहाँ की आर्मी के साथ खड़े हैं,
यहाँ के पुलिस के साथ खड़े हैं, कभी कोई शहीद हो जाता है पुलिस से है, सीआरपीएफ से, आर्मी से, ये कभी खड़े हुए, कभी इन्होंने दो आंसू बहाए, कभी इन्होंने वहां पे मोमबत्ती जलाई, ये इनका इनका ये जो क्या कहते हैं शरीर इधर है, मन तो इनका वो दूसरी साइड है। कहां पे मन, कहां मन? पाकिस्तान में, सीधी बात, स्पष्ट बात, ये एजेंडा कौन सा एजेंडा है भाई साहब? ये बिल्कुल वही एजेंडा है। पीएसए का जिक्र किया है इसमें, पीएसए पीएसए इन्होंने खुद लाया है, पीएसए इन्होंने खुद लाया। आज पीएसए हटाने की बात करते हैं, पीएसए ये नहीं है कि एक टेररिस्ट पे लगता है, पीएसए उस पे भी लगेगा जिस जो काबू में नहीं आएगा, जो पुलिस की काबू में नहीं आएगा, जो अपने हाथ में कानून लेगा, जिसके पास जिसके ऊपर बहुत सारी एफआईआर लगी हो, ये उन पे भी लागू होता है पीएसए। तो इस पीएसए को जो है जिन इन लोगों ने लाया और आज ये हटाने की बात कर रहे हैं, शायद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी है वो इम्प्लीमेंट है, हटा दो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको भी पढ़ के बता देना क्या एनसी वालों। अच्छा, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो है वो रिजर्वेशन का जिक्र है कि हम उसको रिव्यू करेंगे और जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको जस्टिस देंगे। पहले गवर्नर साहब से पूछ लेना क्या ना, फिर जाके आपके पास क्या पावर्स रहेंगी वो देख लेना उस समय। 3 महीने के अंदर अंदर जो है 1 लाख नौकरियां कहां से आएंगे सर? देखिए इम्पॉसिबल, आप इनसे पूछें कि भाई साहब इन्होंने कौन से रिसोर्सेज जनरेट किए हैं, इस स्टेट को जो इन्होंने खोखला बना दिया था, सेंटर से अनकाउंटेबल पैसा जो है जेएंडके में आता था, डरा डरा के पैसा लिया है, अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अगर उसकी थोड़ी सी भी मैं कहता हूं ऑडिट शुरू हो जाए ना पिछले 70 साल का, ये मुझे लगता है एक भी बचने वाले नहीं है, ये सब जेल चले जाएंगे। इन्होंने इतना पैसा अनअकाउंटेबल पैसा एक्सटॉर्शन की है, सेंटर से एक्सटॉर्शन की है, जो उस समय की सरकारें थी उनसे डरा डरा के पैसा लाया, अपने कोई रिसोर्सेज इन्होंने जनरेट नहीं किए। एनवायरमेंटल डिजास्टर सबसे बड़ा इन्होंने किया है, यहाँ जंगल पूरे इन्होंने ख़त्म कर दिए थे, लूट मार यहाँ पे, लूट खसूट, नौकरियों की बात कर, इतनी धांधली थी यहाँ पे नौकरियों में, ये पता नहीं ये जो मेरिटोरियस कोई बच्चा हो उसका नंबर आने वाला था या नहीं था, इनको इन्होंने आप उसका नंबर काट के अपना बंदा जो है उसमें फिट कर दे। मैनिफेस्टो में बाकी सब तो ठीक है लेकिन पर्वत भी नहीं छोड़े गए, 2 पर्वतों के नाम है, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत, नाम बदल आ जाएगा सर, बहुत गलत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बहुत 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 गलत कर रहे हैं जो एनसी वाले। देखिए इसमें बहुत आक्रोश है हमारे समाज में, मैं समाज की बात करती, ये सीधे हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने वाले वाला जो है क्या कहते हैं नाम रखा इन्होंने शंकराचार्य हिल का, तख्ते सुलेमान, क्यों हम कैसे हमने रखा किसी चराग शरीफ का नाम, इसका नाम ये रखेंगे, फलानी चीज का ये रखेंगे, तो ये मैनिफेस्टो जो है कौन क्या दर्शाता है। हरि पर्वत का नाम भी इन्होंने क्या कहते हैं अपने स्टाइल से रखा है, तो भाई साहब ये जो है हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट्स भी हर्ट हुए हैं इस पे। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि राम सिर्फ भाजपा के नहीं है, राम तो सबके हैं, उनके भी हैं, लेकिन फिर नाम बदल देना। आप अगर फारूक अब्दुल्ला की बहुत सारी क्लिप्स निकालेंगे ना, वो उनका कोई स्टैंड ही नहीं है, वो इधर के हैं उधर के हैं किधर के हैं कोई पता नहीं है, वो किस धर्म के किस जाति के हैं, पाकिस्तान के हैं हिंदुस्तान के हैं कश्मीर के हैं, वो कोई पता नहीं है उनको, उनको खुद पता नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर रहे हैं। देखिए मुफ्त बिजली योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी ने पहले लॉन्च करके रखी है, आप उसको पढ़े देखे लोग देखे उसको, मुफ्त बिजली योजना, उसके बाद अगर आपको नहीं लगती वो आप बेच भी सकते हैं। ये कहां से पैदा करेंगे, ये कहां से पैदा करेंगे, एक भी बताइए कि स्टेट का प्रोजेक्ट बताइए। मैं इसी क्या कहते हैं प्रोविंस की बात करता हूँ, चेन्नई वो भी ठप हो गया, सेंट्रल केंद्र ने जब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए तो आज जो है यहाँ से बिजली पैदा हो रही है। इंडो पाक बातचीत होनी चाहिए और ट्रेड जो है वो एलओसी से होना चाहिए, सहमत है इससे? हाँ, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, केंद्र बताएगी वो क्या, आप केंद्र क्या डिसीजन लेती है कैसे चलना है केंद्र ने, वो जब होगा तो तब। ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है लोगों के हित कब में नहीं है? देखिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कैसे लोगों के हित कब मैनिफेस्टो होगा, ये उन एम्प्लाइज को जो रीइंस्टेट करेंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज कर देंगे। देखिए वो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है भाई साहब, उनसे पूछिए, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है वो,
जिनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज के केसेस लगे हों, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगे हों, देश विरोधी गतिविधियों के केसेस लगे हों, क्या उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहते हैं? पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो लोग थे जब डेमोक्रेसी की हत्या हुई थी, तब 75 में जब डेमोक्रेसी की हत्या हुई थी, तो उठा उठा के जो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, आरएसएस के लीडर और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर जो उनको बंद कर दिया था, वो थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं। तो क्रिमिनल्स को अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स बताएं तो मुझे लगता है फिर ये आप उनसे पूछें जरा इसकी डेफिनेशन की, लोगों को समझाएं पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या होता है और क्रिमिनल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस इलेक्शन मैनिफेस्टो से खुश नहीं है, कह रही है कि पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए जो है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया गया। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि हिंदू धर्म में दो पर्वत जिनका खास महत्व है, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत, उनका नाम बदलने का भी जिक्र है इसमें। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या ये वाला एक लाइन जो इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में मेंशन किया है ये वापस होता है या फिर नहीं। आप लोग देखते रहिए नॉट लाइंस, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।